सुपेला थाना पुलिस ने साल भर से फरार चोरी के आरोपी को चोरी के सामान सहित गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी अपने पिता के साथ मिलकर चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया करता था। अपने ही शिष्यों के घर चोरी करने वाले आरोपी बाबा उर्फ अजेंद्र मिश्रा निवासी ग्राम सिंघोरी जिला राजनांदगांव को सुपेला थाना पुलिस ने चोरी के जेवरात के साथ गदा चौक सुपेला से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी सोने के एक जोड़ी झुमके कीमत 55,000 को बेचने गदा चौक आया हुआ था। आरोपी ने पूछताछ में सोने के झुमके को कॉन्ट्रैक्टर कॉलोनी सुपेला से अपने पिता राजेंद्र मिश्रा के साथ मिलकर शिष्य के घर से चोरी किए जाने की घटना को स्वीकारा है। आरोपी का पिता पूर्व में गिरफ्तार हो चुका है। आरोपी पुलिस से बचने जगह बदल बदल कर रहा करता था। इस पूरे मामले की जानकारी सुपेला थाना प्रभारी दुर्गेश कुमार शर्मा ने दी। जी सर, बताएंगे चोरी के पुराने मामले के एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। सर, क्या मामला, किस तरह कार्रवाई की जा रही है? ये हरिराम वर्मा जी हैं, कॉन्ट्रैक्टर कॉलोनी के निवासी। इनके घर से दिनांक 30/7/2021 को पिछले वर्ष की घटना हुई थी, और घटने में काफ़ी सारे ज्वेलरीज वगैरह चले गए थे। इस मामले पे पहले भी पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया था, राजेंद्र मिश्रा को गिरफ्तार करके काफ़ी जो चोरी गए थे वो जाप्ता उसको पुलिस के द्वारा बरामद किया गया था। इसमें एक अन्य आरोपी अजेंद्र मिश्रा करके जो है वो फरार था। इसकी सूचना हमको मिली कि राजनांदगांव में ये आया हुआ है, तो राजनांदगांव से इसको गिरफ्तार करने के बाद पे इससे जो इसके ये जो अपने पास में एक झुमका रखा था, सोने का झुमका है, एक पुलिस ऊपर का है, वो उसको जब्ती किया गया है, और जब्त करने उपरांत पे विधि संगत कार्रवाई करते मानेगा प्रस्तुत किया जा रहा है। बहरहाल आरोपी की गिरफ्तारी में सुपेला थाना प्रभारी दुर्गेश कुमार शर्मा के साथ उप निरीक्षक प्रमोद श्रीवास्तव, सहायक उप निरीक्षक राजेश सिंह, आरक्षक विकास तिवारी की उल्लेखनीय भूमिका रही। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।